रोपड़ बैठे हैं, जिथे सत्कारयोग महरूम प्रोफेसर बलविंदर कौर जी की देह भी पई है। और सवेर दे कोई 3:30 हो गए है जी, 26 तरीक न कुछ गल्लां सीगियां, क्योंकि इथों बड़िया चर्चावां चल रहियां सीगियां कि चर्चावां की असलियत की गल है कि इथे IG साहब, DC साहब ते SSP साहब आए, जो पिछले थाने दे 23 तरीक की रात नू जो थाने धरना लग्या सीगा कि सानू DDR च जो सुसाइड नोट च लिखिया, और वो सुसाइड नोट च जो अखीरले लब सन प्रोफेसर बलविंदर कौर दे, मैं कई बारी पढ़ते हैं कि जिथे उन्हें 1158 की गल की आपके साथियों की, उन्होंने नौकरी देने की गल की, उत्थे उन्हें ये गल एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी नहीं, चार बारी ये गल का जिक्र किया कि मेरी मौत का कारण हरजोत सिंह बैंस है। हुण वो दोवें गल्लां ते परिवार सीगा कि भाई तुसी घर वाले ते परचा देता, तुसी उहदे सहुरे ते देता, सुसाइड नोट च वैसे तो ना घर वाले का नाम लिखिया ना सहुरे का नाम लिखिया, मगर क्योंकि परिवार नूं भी नहीं पता सी कि कोई सुसाइड नोट है, जो गल उन्हां नूं समझ आई उन्होंने की, बाद च उन्हां नूं जब दस्या गया कि एक सुसाइड नोट है जो उन्हां तों लुको के रखा गया सीगा, उन्होंने फिर वो फैक्ट आप दी एक कल 23 तरीक नूं एक आप दी पटीशन बनाई, एफिडेविट दिता, जिदे च उन्होंने स्पष्ट तौर ते हरदेव सिंह ने ते हरदीप सिंह जेडे नाल बैठे उन्होंने होर रिश्तेदार बैठे जिन्होंने जिक्र किया कि सानू इस गल का इलम नहीं सी, हुण साडे ध्यान च आ गया और उस च उन्होंने हरजोत बैंस का जिक्र किया। मगर अज मैं इत्थे हस्पताल आया, आना भी तां पिया क्योंकि आ मैं शेयर कर दूंगा, ये DDR की कॉपी दिती है, पुलिस किस तरीके नाल चलाकी वरत रही है, किस तरीके नाल जो परिवार नाल एडा वड्डा धोखा होया, एडा वड्डा दुख वापरिया, एडा नाल दुखांत वापरिया, ओदे नाल दुख सांझा करन दी थां इन्हां नाल सही तरीके नाल निभण दी थां इन्हां नूं धोखे च रख रहे हैं। बार बार जिक्र हो रहा सी कि भई DDR तुसीं जे कटती है ते मैं DDR तुहाडे सामने दस रहा, इच दसो जी हरजोत सिंह बैंस का नाम कित्थे लिखिया, कित्थे नहीं लिखिया, की लिखिया DDR ते? कुछ नहीं लिखिया जी, इन्होंने कल ही 2-3 गल्लां लिखतियां, कहो जी साढ़े कोल जो इन्हां दा बयान है इन्हां दे ब्रदर दा हरदेव सिंह दा, ओ बयान असी रिकॉर्ड ते ले आए आ, फिर अगे लिखता जी कि जेड़ा सुसाइड नोट है ओ भी साढ़े ध्यान च है, ओ सानू पहला दी कह रहे है कि साढ़े ध्यान च है, अगे लिखता जी ये सारा कुछ ही तफ्तीश दा हिस्सा है, मतलब कि कल तफ्तीश करनगे ते थोनू कह देणगे नहीं जी ये कुछ नहीं पाया गया, जद हर इहदे च तां नौ ही नहीं जी किसे होर दा सिवाय हरजोत सिंह बैंस दा, और परिवार दी इको मंग है कि जेड़ा एक जेड़ी ओह अखीरली गल लिख के गई है उहनू तुसी लिख दिओ, उहनू कह दिओ कि असीं उहनू मुजरिम बनाता, असीं ओह लिखण च क्यों ड्रामा रचिया जा रहा, क्योंकि मनशा नहीं, मुड़ के तफ्तीश करके कहता जाऊगा कि तफ्तीश च यह सारिया गल्लां झूठियां पाईया गईयां, फिर तुसी की कर लोगे जी, इसलिए अज इत्थे असीं इकट्ठे होए हां क्योंकि परिवार नूं एक होर गल भी कही गई जो इत्थे चर्चा चली है कि परिवार नूं अफसर यह विश्वास दवा के गए है जी कि एक थोनूं नौकरी ते मुआवजा, वैसे तो मैं नहीं समझदा कि इन्नी पढ़ी लिखी बेटी का कोई मुआवजा हुंदा, मगर सरकार कहती है, मैं पूछना चाहना सरकार नूं एक पासे तां तुसीं FIR दर्ज करती कि यह परिवारक झगड़ा, परिवारक झगड़े च तुसीं मुआवजा किवें दोगे जी, नौकरी किवें दूंगा, जिस नूं तुसीं नहीं मनदे कि असीं नौकरी दित्ती है ना, तो तुसीं मनदे ही नहीं कि नौकरी दित्ती है, जे दित्ती हुंदी ते इह आपदे कालजां च बैठे हुंदे जाके, इह सड़कां ते क्यों बैंदे, जे तुसीं मनदे ही नहीं इन्हां नूं पंजाब दा इंपलॉई, फिर इन्हां नूं नौकरी किवें दूंगे, और जिस बच्ची नूं हले हई महज 5 साल दी उहनूं नौकरी किवें दे दूंगे, जद तक उहदी उम्र होनी है नौकरी लैण वाली, तुसीं इहदे तां सारे अफसर रिटायर हो जाणगे जिहड़ा इन्हां नूं विश्वास दवा रहे,
और परिवारिक झगड़े च नौकरी तुसी किवें दे दोगे। तीन गल्लां ना तो यह मानदी है सरकार कि 1158 असी इंपलॉई कर ले, जे कर ले होंगे तो इन्हों तनखावां मिलदियां होंदियां आपके स्टेशन च लगे होंगे, फिर इन्हों सड़क ते बैठन की लोड़ कोई नहीं सी। ना वो भैन बलविंदर कौर नूं लिख के जाण की लोड़ सी कि मैं 3 दिसंबर तो इत्थे लिखिया क्योंकि मैं 3 दिसंबर 2021 नूं नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया सी, पर मैनू इस दे बाद जो मुश्किलों का सामना करना पिया वो इहदे च क्लीयरली मैनशन कर लिया कि जे नियुक्ति पत्र तो मिल गया मगर नौकरी नहीं मिली। इसलिए जिन्हों तुसी इंपलॉई नहीं मानते फिर तुसी कहने हो घरेलू कलेश है, बच्ची 5 साल की नौकरी किवें देनी? क्यों सरकार इस तरीके का झूठ बोल रही है इन्हां नाल? 420 क्यों कर रही है इन्हां नाल? फ्रॉड क्यों कर रही है? मैं इस गल ते हैरान हाँ। मैं तो समझदा कि जेडे अफसर आके ये जा झूठ बोल रहे हैं इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज ये बड़ा ही क्लीयर है कि सुसाइड ते परिवारिक कलेश ते सरकारां नौकरी नहीं दिंदियां, कोई रूल ही नहीं जिस तहत दे दन। इसलिए ये सारियां गल्लां नूं लैके अज असीं इकट्ठे होए हां। परिवार की जिहड़ी मंग पहले दिन सी, परिवार इन्ना स्टैंड लैके इत्थे समुचा परिवार बैठा, वो एक गल की बजिद है कि जो सुसाइड नोट ते लिखिया वो लागू करो, चाहे वह 1158 की गल की है, चाहे उन्हें जिन्हों इहदे च जिम्मेवार ठहराया। और दूजी गल वो करदे है कि पहला DDR च उस नूं नामजद करो, तीजी गल कि उहदा पोस्टमार्टम PGI च होवे, निरपक्ष होवे, पारदर्शिता नाल होवे। ਇਹ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 3:30-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਇਹ DDR ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁਣ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਆਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੋਖੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੰਬਲ ਕੂਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਨਵ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ, 4-4, 5-5 ਲੱਖ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਖਰਚ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੁਛ ਅਫਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ, ਫੈਸਲਾ ਅਖੀਰ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਧੋਖੇਧੜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਿਖਤ ਜੋ ਡਾਇੰਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਭ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 3:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਓ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ।
रात दे नेरे मीटिंग कदे इधर आ जाओ कुछ चार बंदे उधर चले जाओ सामने क्यों नहीं करते पब्लिक रिकॉर्ड बने आ डीडीआर चे मेनू एसएसपी साहब आईजी साहब डीजीपी साहब इन्हां दे जिन्ने साहब ने सारे कठे होके दिखा देन कि सुसाइड नोट ते जेड़ा नौ लिखिया हरजोत बैंस दा वो किथे है मतलब कि उन्हों अक्यूज्ड मुजरिम नहीं बनाया और यही मांग है परिवार टीचर यूनियन की भी यही मांग है जी साड़ी भी यही मांग है।